मेडा देखी आज, आज ओमेडा की स्क्रीनिंग थी, इंडिया का यू नो पहली बार हिंदुस्तान में फिल्म दिखाई गई है मामी फिल्म फेस्टिवल के जरिए, सो आई सॉ ओमेडा बट अदरवाइज आई वाज शूटिंग फॉर फनी का सो आई डिडंट गेट एनी टाइम। ओ यस, इट वाज ओवरवेलमिंग, इट वाज ओवरवेलमिंग, इट वाज नॉट एन इजी थिंग टू मेक बट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल सॉ इट एज इट इज विदाउट एनी कट्स। No, yeah, no. Let's see. We will cross the that bridge when it comes. Yeah. Let's see. आपकी शादी की डेट नजदीक आ गई, तो क्या क्या तैयारियां की आपने शादी की? खाने का ऑर्डर तो दे दिया है, तो हाँ वेज नॉन वेज सब डिसाइड हो गया है। उसके अलावा अभी बस वही मंडप वंडप तय करना है, वो सब चल रहा है उसकी, बस 10 नवंबर को शादी है। जिटर्स, कोल्ड फीट। And losing weight is not easy. I think gaining weight is slightly easier because you just have to hog, you just have to eat. But losing weight is quite a task. So yeah, it was a lot of hard work. I had to just sacrifice food, you know, almost like not eating, almost doing trap too in real. What was the one thing which motivated you? My work. I had to look in a certain way for Panne Khan, so I can't afford to. No, the film, the script, you know, I can't afford to look like how I looked in Bose. बहुत जल्दी टीम जाने वाली है वहाँ पर, और एक बहुत एक स्ट्रैटेजी है हमारी, बहुत अच्छे से कुछ प्लान किया गया है, एंड वी आर वेरी होपफुल। आप सबका सपोर्ट चाहिए, बहुत ब्लेसिंग चाहिए। व्हिच वन? ओमेटा वी आर प्लानिंग नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट ईयर, सो लेट्स सी, लेट्स सी। बोथ हैव देयर ओन चैलेंजेस यार, आई वोंट से समथिंग इज इजीयर, जस्ट दैट यू नो अ फिल्म लाइक बरेली डजंट गिव, यू डोंट गेट अ मेंटल टोल यू नो व्हाइल डूइंग बरेली, बट ओमेटा फिल्म लाइक ओमेटा और ट्रैप sometimes it can be a toll on your mental health. Diwali ka kya kuch plan hai aapke? Diwali to shoot hai, mere Panne Khan ka shoot chal raha hai, wo kar rahe hain. Uske alawa I'm going to celebrate, I'm going to do my you know, main har saal ek puja hoti hai jo main karta hu, of course jo bachpan se karte aa rahe hain family ke saath. Oh yes, hi, I'm Rajkumar Rao and wish you all a very happy and safe Diwali. Thank you. इधर इधर यहाँ पे।